क्या डालोगे? सरकार की अवन सत हनुमान की जय। मेरी सचियां जोतां वाली माता बहुत बहुत बधाई सभी भक्तों को। आगे और आगे की रस्म के लिए हम लोग ध्वज पूजन के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। हमारे आदरणीय नेता है सुरेंद्र मित्तल जी, शेखर मतदार जी, मंदिर अशोक जी से प्रार्थना वो भगवान के रथ के आगे आ जाए जहां राधा कृष्ण जी की आगे आ जाए। महाराज इतने खो रहे गया भी चला में आ गया आ गया गया स्कूल आ गया स्कूल आ गया अपना अपना आ गया। भोले जगत पिता जगन्नाथ की जय। जी अज शोभा यात्रा भगवान जगन्नाथपुरी की तीसरी शोभा यात्रा जी कढ़ी जा रही है, ये किमें कहना मतलब यह तीसरी जी कितनी शोभा यात्रा है तो कितना यह शोभा यात्रा जी स्टार्ट की है? ये आज के दिन पूरे विश्व में जी भगवान जगन्नाथ जी की शोभा यात्रा निकाली जा रही है, जो पूरी मेन वहाँ पर शोभा यात्रा होती है जहाँ पर करोड़ों श्रद्धालुओं का इकट्ठ होता है। और हमारे आस्था धाम बरनाला में भी ये तीसरी शोभा यात्रा निकाली जा रही है जिसमें श्रद्धालुओं को बहुत ज़्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। ठीक है ना जी।
मदद की वाले ये ध्वज का पूजन करेंगे जिससे भगवान की मंगलमय यात्रा प्रारंभ होगी। जो शोभा यात्रा जो निकल रही है शहर बरनाला के अंदर आस्था धाम मंदिर से जो है कैसा आपको लग रहा है, श्रद्धालुओं में कैसा उत्साह है जो देखने को मिल रहा है? भगवान जगन्नाथ स्वामी जी की जय। ये हमारे बरनाला शहर के लिए एक सौभाग्य का दिन है। श्री सोनी जी आस्था धाम के मालिक, उन्होंने आस्था धाम मंदिर बनाया, उसमें प्रभु विराजमान किए और हमें शहर वासियों को एक मौका दिया प्रभु का गुणगान करने का। हम अति प्रसन्न हैं प्रभु का आशीर्वाद पाकर, और सोनी का अति धन्यवाद करते हैं जिन्होंने भगवान जगन्नाथ जी का हमें आशीर्वाद प्राप्त करने का मौका दिया। जगन्नाथ का हाथ, वो जगन्नाथ का भात और विश्व पसारे हाथ। जगन्नाथ भगवान जो हैं विश्व के स्वामी हैं और जन जन के कल्याणकारक हैं। भगवान जगन्नाथ की शोभा यात्रा जगन्नाथपुरी में निकलती है, वहीं की तर्ज पर यहाँ बरनाला में भी विगत वर्षों से ये शोभा यात्रा निकल रही है। जो भगवान की यात्रा में सम्मिलित होता है, भगवान के रथ में जो हाथ लगाता है, उस व्यक्ति के जीवन रथ को भगवान पार करते हैं, भवसागर से पार करते हैं। इसलिए भगवान जगन्नाथ की यात्रा में हर व्यक्ति को सम्मिलित होना चाहिए और भगवान का प्रसाद अवश्य में ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि जगन्नाथ का भात और विश्व पसारे हाथ। जगन्नाथपुरी के जो राजा हैं वो सबसे पहले रथ को खींचते हैं, उसी प्रकार से यहाँ भी मेरा राजा दीपक सोनी है और दीपक सोनी ने ये उत्सव करता है। बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं बरनाला के लोग, आस्था कॉलोनी के लोग, और बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नारायण नारायण। पंडित जी, जो आज जगन्नाथ जी की जो यात्रा तीसरी यात्रा आस्था धाम मंदिर बरनाला से जो रवाना हुई है जी, इसका क्या उद्देश्य है और क्या महत्व है? देखो, आज बरनाला निवासियों को देखकर के ऐसा लग रहा है कि जगन्नाथ धाम में हम लोग आ गए हैं। ये जगन्नाथ जी की जो शोभा यात्रा है, ये जगन्नाथ जी, सुभद्रा जी और बलराम जी, ये बहन भाइयों का प्रतीक है। और सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि ये यात्रा क्यों निकाली जाती है। ये यात्रा इसलिए निकाली जाती है कि जब उनकी बहन सुभद्रा जी भ्रमण करने के लिए गई थी, तो भ्रमण का मतलब है यात्रा करना, तो उनको यात्रा बहुत अच्छी लगी। सब जगह उन्होंने देखा, जगन्नाथपुरी पहुँची तो उन्होंने कहा ये जगन्नाथ धाम बहुत अच्छा है, समुद्र का किनारा है, बहुत रमणीय स्थल लगा। वहाँ से ये परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है और आपके बरनाले में जो यात्रा निकल रही है ये बहुत ही अच्छी यात्रा है, क्योंकि हर मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती है, लेकिन जगन्नाथ जी की और इनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है, क्योंकि ये स्वयं प्राण प्रतिष्ठित हैं। जगन्नाथ जी मंदिर जो है उड़ीसा में, वहाँ भी जो अपनी लक्कड़ की जो प्रतिमाएँ बनती हैं उनके अंदर सालकराम जी हैं, वही निकाल करके उनमें स्थापना की जाती है। जब भी मूर्तियाँ बदलेंगी तो सालकराम जी निकालेंगे और उन मूर्तियों में डाल दिए जाएंगे, क्योंकि सालकराम के अंदर सोना होता है। तो कहा गया है धातूनाम अस्मि कांचनम, धातुओं में सोना भगवान का रूप है। हिरण्य गर्भ समव्रताग्रे, जो सोना जोता भगवान का रूप है, इसलिए प्राण प्रतिष्ठित नहीं होती हैं तो विराजमान होती हैं। ये अचल प्राण प्रतिष्ठा होती है, जैसे चल और अचल, मतलब चलने वाली, तो चलने वाली को बोलते हैं शोभा यात्रा। एक होती है स्वयं प्रतिष्ठित हो गई, तो ये जो यात्रा निकली गई आप सबके सहयोग से, इसमें विशेष जो हैं हमारे जो सोनी जी आस्था कॉलोनी के जो एमडी जी हैं और चोपड़ा जी, ये सबके आप शहरवासियों के सहयोग से भव्य शोभा यात्रा निकल रही है। बहुत ही बहुत सबका मन खुश है और आनंद पूर्वक है। भगवंत कृपा, इसी प्रकार जगन्नाथ जी की कृपा बनी रहे, ये हमारी शुभकामनाएं।